जयपुर में पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान 43,000 यूनिट रक्तदान किए जाने का लक्ष्य रखा गया। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। जयपुर में 350 से ज्यादा अधिक स्थानों पर कई कार्यक्रम किए गए। सचिन पायलट का जन्मदिन पहली बार इतने जोर शोर के साथ मनाया गया। कार्यकर्ताओं में इस दौरान खासा उत्साह भी देखने को मिला। युवा नेता के प्रति पहली बार युवा एकजुट होते दिखाई दिए। पायलट के कार्यक्रम में कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। जन्मदिन के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। मेरे जन्म दिवस के अवसर पर सभी लोगों ने जिन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज राजस्थान समेत कई जगहों पर लोगों ने शिविर लगाए हैं रक्तदान करने के लिए और मुझे जानकारी मिली है कि सैकड़ों की तादाद में ऐसे शिविर लगाए और बहुत सारे लोगों ने ये रक्तदान करकर आज एक मानवता की सेवा करने का परिचय दिया है। मैं उन सभी लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, नौजवानों का, महिलाओं का, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में जिन्होंने आकर जो कोरोना के समय आज संकट हमारे सामने है, जब अस्पतालों में, ब्लड बैंक्स में खून की कमी आ रही थी, आज सबने बढ़ चढ़ कर आकर हजारों लोगों ने रक्तदान किया है और मेरे लिए इससे बड़ा कोई जन्मदिन का तोहफा नहीं हो सकता। मेरे जन्मदिवस पर मेरे इस आग्रह को लोगों ने स्वीकार किया और बजाय जयपुर में आकर इकट्ठा होने से उन्होंने अपनी जिलों के अंदर इस प्रकार के आयोजन किए। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रशासन का, लोगों का, अधिकारियों का जिन्होंने सहयोग किया और मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई मानवता की सेवा का काम नहीं हो सकता जहाँ हम रक्तदान कर लोगों की जान बचाएं। और कोरोना का संकट लगातार बढ़ रहा है, हमें एहतियात बरतना पड़ेगा और आने वाले समय में जो चुनौती आएंगी उसका सामना करने के लिए सबको एकजुटता से, अनुशासनता से काम करना पड़ेगा। एक बार फिर मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, बधाइयाँ दी हैं। मैं आपका हमेशा हमेशा आभारी रहूँगा।